ल्यूनस मंडे लंच बॉक्स सीरीज एपिसोड 7 में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मीता आप सभी के साथ वर्मिसली उपमा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर मेरी बच्चियों की भाषा में बोला जाए तो ये स्मॉल स्पेगेटी है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक लंच बॉक्स का आइडिया दे देती हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने लंच बॉक्स में वर्मिसली उपमा डाला है। ये मेरी बच्चियों के दी मोस्ट फेवरेट लंच बॉक्स है एंड इट इज़ अ सुपर हिट फॉर देम। उसके बाद मैंने टोमेटो केचप डाल दिया है। ये वर्मिसेली के ऊपर टोमेटो केचप स्प्रेड करके खाती हैं। उसके बाद दो एप्पल्स मैंने ये क्लिंग फ्लेम या फिर प्लास्टिक रैप में डाला है। उसके बाद मैंने ये मफिन मोल्ड ले लिया है और उसके अंदर मैंने ये फ्रूट लूप सीरियल डाल दिया है। अगेन दिस इज़ वेरी हेल्दी, वीट का बना हुआ है। और उसके बाद एंड करते हुए एक ट्रीट, एक स्नैक डाला है। तो चलिए वर्मिसेली उपमा की रेसिपी शेयर करती हूँ। सबसे पहले एक टेबलस्पून बटर डाल दिया, या आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 कप वर्मिसेली डाली है। यहाँ मैंने अनरोस्टेड या कच्ची वर्मिसेली ली है। अगर आपके पास रोस्टेड वर्मिसेली है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। वर्मिसेली में मैंने 1 कप पानी डाला और 1 टीस्पून सॉल्ट डाला है और इसको 5 मिनट तक बॉईल करेंगे जब तक वर्मिसेली सॉफ्ट ना हो जाए। अच्छा, 5 मिनट के बाद आप देखेंगे वर्मिसेली पूरी तरीके से पक गई है। आप वर्मिसेली में से पानी स्ट्रेन आउट कर लीजिए, छान लीजिए और इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ठंडे पानी का इस्तेमाल करके इसको जल्दी से रूम टेम्परेचर पे ला सकते हैं। तो हमारी वर्मिसेली पकने के लिए तैयार है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। उसके बाद उसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे। राई जब क्रैकल होने लगती है तो उसमें 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और उसमें 1 कप चॉप्ड कैरेट्स डाल दी हैं, 1 कप कच्चा आलू चॉप किया हुआ वो डाल दिया और इन सब को अच्छे से आप 2 मिनट तक पका लीजिए। पकाने के बाद 1 कप चॉप्ड टमेटोज डाले हैं या टमाटर डाला है और इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद जैसे ही टमाटर जाएगा आप 1 टीस्पून सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट डालने से ये मिक्सचर ईजिली पानी छोड़ने लग जाता है एंड टमाटर अच्छे से पकने लग जाते हैं। इसके बाद मैंने जिंजर डाला ग्रेटेड और थोड़ी सी चिलीज डाली हैं, मतलब हरी मिर्च डाली है। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 1/2 कप हरे मटर डाले हैं और सारी वेजिटेबल्स को पकाने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला है। इन सब चीज़ों को आप 5 मिनट तक पकाइए। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे आपकी वेजिटेबल्स सॉफ्ट हो गई हैं। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून रोस्टेड पीनट्स, मतलब मूंगफली है, और इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया। और इसके बाद मैंने ये जो सॉफ्ट वर्मिसेली पहले पकाई थी बॉइल्ड वाली, वो डाल दिया है वेजिटेबल्स के अंदर। देखिए ये कितनी जल्दी पक जाता है, लाइक विद इन, अगर आपके पास पहले से ही मील प्रेप है तो आप लाइक विद इन 10 मिनट्स इसको बना सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, अच्छे से एक टॉस दे दीजिए। अगर आपने ये लंच बॉक्स रेसिपी यहाँ तक देखी और आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी है सो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू माई फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लग रही है। और इसमें अब हम 2 टीस्पून होममेड वाला मैंने ये सांभर मसाला डाला है। अगर आपके पास सांभर मसाला नहीं है तो आप कोई भी करी पाउडर डाल सकते हैं, गरम मसाला डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला डाला। इन सबको अच्छे से पकाइए लगभग 5 मिनट के लिए मध्यम आंच पर। और हमारा वर्मिसेली उपमा तैयार है। इसको गार्निश कीजिए धनिया पत्ता से। तो चलिए मिलती हूँ आप सभी को अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप करती हूँ कि आपको ये लंच बॉक्स रेसिपी
पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।